ग्वालियर व्यापार मेला जनवरी से लगाए जाने की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण कार्यालय परिसर में धरना दिया। मेला व्यापारी संघ का कहना है कि अब कोरोना संक्रमण कम हो चुका है, सिर्फ कोरोना का बहाना बनाकर ग्वालियर व्यापार मेले को स्थगित या टाला नहीं जा सकता। ये हजारों दुकानदारों के साथ सैलानियों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि ग्वालियर अंचल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के लोग भी इस भव्य मेले का इंतजार करते हैं। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन कराते हुए मेला आयोजित किया जाए ताकि हजारों कारोबारियों के व्यापार पर संकट ना आए। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के तत्वावधान में ग्वालियर मेले के इस ऑफिस पर आज व्यापारी संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। हमारी केवल एक मांग है कि मेला लगना चाहिए। ये मेला है और ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में हजारों सैलानी जो आते हैं, इसके साथ साथ वो गरीब दुकानदार जिनकी साल भर की रोजी रोटी का साधन ये मेला है, वो गरीब लोग, वो गरीब कर्मचारी जो प्रत्येक दुकान पे पांच पांच सात सात दस दस कर्मचारी काम करते हैं, उनके परिवारों का सवाल है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि सारी गतिविधियां अब सामान्य होनी चाहिए, लेकिन होशियारी के साथ हम भी वही कह रहे हैं कि होशियारी के साथ ये मेला अब लगना चाहिए।